साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। हाँ बड़ी माँ, ये लोग कौन है? हाँ यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे इस बस्ती की तलाशी लेनी है। क्यों, क्या बात है? वैसे तो आज उत्सव का सबसे बड़ा दिन है मंदिर में। ऐसे वक्त पर इस कॉलोनी में पुलिस पहली बार आई है। फिर भी तलाशी लेना जरूरी है। ये बालू कहाँ है? बालू कहाँ चला गया? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, कुछ देर के लिए हमारी मदद कीजिए आप लोग। हे मेरी कुल देवता, तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो क्या? उस लड़के को तुरंत वहाँ से हटा दो। ए, तलाशी होने तक तुम लोग यहीं खड़े रहोगे, कोई भी यहाँ से अपने घर की तरफ नहीं जाएगा। सर्च। उस तरफ देखो, आप जरा बाहर जाइए, चलिए। इंदु, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम घर ढूंढ लो, यकीन नहीं होता, मैंने ढूंढ ही लिया। मेरा नसीब भी देखो, मैंने आज सुबह ही तुम्हें याद किया। उस दिन के बाद से आजकल मैं किसी भी लड़की को देखता हूँ तो उसमें मुझे इंदु नजर आती है। पास जाके देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। ये कौन है? मेरी छोटी बहन। इसका नाम सिंधु। अरे मैं अपने बड़े ऑफिसर से मिलाता हूँ, चलो चलो आओ 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 आओ। मैडम, मीट मिस सिंधु, फ्री जर्नलिस्ट, मतलब फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। ये उसकी बहन बिंदु सिंधु। आई एम इंदु, शी सिंधु। मैडम अगर आप चाहें तो कुछ देर इंदु के घर। कम ऑन मैडम। जरा सुनिए, इन लोगों को आप ही समझाइए। जिस घर में सिर्फ औरतें ही रह रही है वहाँ पर भी पुलिस तलाशी ले रही है। पुलिस वालों के लिए सब बराबर है, चाहे वो औरत हो या मर्द, है ना सर? वो सिर्फ तलाशी ले रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, गुनहगारों को ही अरेस्ट करेंगे, ये हमारा कानून। कॉमन मैडम, चलो इंदु। ए, चलो हटो यहाँ से, हटो। हे भगवान, कहीं गलती से पुलिस वालों ने उसे हमारे घर में देख लिया तो? वो लोग देख लेंगे तो हम लोग लड्डू खाएंगे। क्या मतलब? अरे वो लोग देख लेंगे तो हमारी बोटी बोटी कर देंगे। उसे सामने से निकालेंगे तो पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे, किसी तरह उसे पीछे के दरवाजे से निकालना होगा। अच्छा आइडिया, चलो जल्दी जाओ। हेलो कंट्रोल रूम, एसी जनार्दन को बुलाओ। यस कमिश्नर हियर, नंबर 4 फ्लाइंग कोर्ट के साथ जितनी जल्दी हो सके MS रोड के कोंकण कॉलोनी में पहुंचो। हरी अप, कहां जा रही है? मुझे वो अंदर जाना है। सॉरी, ये घर इसी कॉलोनी में होने की वजह से इस घर की तलाशी लेने भी बहुत जरूरी है। भले ही तुम छोटी की पहचान की हो लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकती। गो एंड सर्च। क्या मुझे चोरों की तरह मार रहा है? जा तलाशी ले। इसके अंदर तो नहीं, उस रूम में देखते हैं सर। इसके अंदर तो कोई नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं है। शायद यहाँ। सॉरी मेरा नाक गया। उस तरफ देख, नीचे देख, यहाँ कोई नहीं है। अरे नीचे देख रहा हूँ, यहाँ तो नहीं। ओह ये घर तो बिल्कुल मंदिर की तरह पवित्र है मैडम, हमसे गलती हो गई। कहाँ इंदु? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स गो। यहाँ से वो कहाँ गया? वो बचकर निकल गया होगा। इधर के लोग मुंबई वालों से भी बड़े चोर हैं, है ना पिताजी? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? हाँ, मैंने बंद किया था। नहीं, उसे बच के नहीं निकलना चाहिए। ओह शिट बेटी, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया।
दीदी आप फिक्र मत, तो बात मत कर। मैंने तुझसे कहा था ना ध्यान रखने के लिए। मैं अब हम क्या करें? वो अगर बचकर निकल गया तो हमारा यहाँ रुकना खतरनाक है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। घबराइए मत, मैं भागा नहीं। उन लोगों को फोन करके मैंने ही बुलाया था, लेकिन बाद में इंदु मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। तुम हमारी बचपन वाली इंदु ही हो ना? भले ही मैं दुश्मन हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ क्या बात है। नो, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुझे कहानी सुनाने नहीं लाई हूँ, बल्कि खत्म करने लाई हूँ तुझे यहाँ। तेरा और तेरे खानदान का नामो निशान मिटा कर ही मुझे चैन आएगा। ये क्या है बेटी? क्यों, दिल पसीज गया? खून देख के डरना नहीं, पानी देख के घबराना नहीं, आपने हमें यही सिखाया ना? ये हमारा दुश्मन है, ये रिश्ता जोड़कर हमें बरगला रहा है। कोई हमदर्दी नहीं करनी है इसके साथ, इसे अभी यही खत्म करना होगा या दूसरी जगह ले जाना होगा। बदलेंगे, आज रात को ही बदलेंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे के साथ वो क्या सलूक कर रहे होंगे, कि कैसे हो सकता है? आप तो नेता, पुलिस वाले, कलेक्टर सभी को जानते हैं ना, हमारे बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं वो लोग, और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए ना, आप क्यों चुप बैठे हैं, बताइए। छे, तुम थोड़ा खामोश रहो भाग्यवान, इस तरह रोने से क्या फायदा? तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ रही हो। अरे मेरा जो फाइल का नुकसान हुआ उसके बारे में सोचता हूँ तो तुम इंसान हो के जानवर? तुम्हारी औलाद से बढ़कर वो फाइल है? अरे कमीनी, चुप रह, वो मेरा बेटा है, उसे कहीं भी छुपा के रखेंगे वो वहां से निकल के मेरे पास लौट आएगा, इसका मुझे यकीन है। लेकिन उस फाइल की कीमत तुम क्या जानो? आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उस राज का खजाना ही वो उठा ले गई है। कहीं भगवान की दया से वो फाइल बाहर निकल गई ना तो हम सबको जिंदगी भर लड्डू खाना पड़ेगा, लड्डू, है ना रे? हमें नीचा दिखाने के लिए हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला उस तुरुप के पत्ते ने। मैं मुकुंद सेठ। कौन? क्यों सेठ, आज सोए नहीं? सोया होता तो बात कैसे करता। मुकुंद सेठ, अब तुम सो भी नहीं सकोगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कौन है रे तू? तेरी मौत, समझे नहीं क्या? मैं हूँ डुप्लीकेट श्रीदेवी आईपीएस। एक कुत्ते की बच्ची, तू मेरे हाथ लग जाए ना तो तुझे काट पीस के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। सच बता, कौन है तू? कौन है तू और किसने तुझे यहाँ पे भेजा था, बोल। अरे तुझे कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे मेरी फाइल और मेरा बेटा वापस चाहिए। तेरा सब कुछ मैं लौटा दूंगी, लेकिन तेरे मरने के बाद उस दिन का तुम्हें इंतजार करना होगा। मिस्टर मुकुंद, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गुड नाइट।